हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई एम सचिन मोदी और आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस खास क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ समानता। हमें ये फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह के एनालॉजी के क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आज का ये सेशन बहुत हाई लेवल होने वाला है, यानी कि काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर मैंने आज यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। अब देखो, अगर एक्सट्रीम लेवल है, अगर हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो किस तरीके से आप डील करेंगे, कैसे आप समझेंगे, ये अब आप पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, इस सेशन में एक स्पेशल चीज़ क्या है वो देखिए। आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहली चीज़, आपको क्वेश्चन खुद को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आज की क्वेश्चन के मतलब जो आंसर होंगे उनका भी मैंने एक्सप्लेनेशन रखा है। यानी कि देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा चाहते हैं सर एक्सप्लेनेशन भी हमें स्लाइड में मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के सेशन में क्वेश्चन भी होगा, पहले आपको क्वेश्चन खुद को सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि देखो इस क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है और इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है। तो काफी अच्छा और काफी गजब होने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, जब सुबह मैं आया था तो मैंने कहा था कि भाई 9 बजे तक ही आ जाएगा, आज आपके पास मेगा सुप्रीम का ऑफर है, भाई इसके बाद खत्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, मैं बता दूं, इतना अच्छा रिस्पांस स्टूडेंट का आया है। वो साल भर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें पता था कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। काफ़ी बड़ा रिस्पांस आने के बावजूद मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि ठीक है, इसको आज और एक्सटेंड करते हैं, ताकि जो बच्चे रह गए, जो जिनके पास कलेक्शन नहीं हो पाया मनी का, या किसी और तरीके से वो रह गए, या कह सकते हैं ना कि कई बार कुछ ऐसी कमियां होती है कि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती उनके पास, तो इस वजह से वो थोड़ा झिझकते हैं। तो काफ़ी सारे कॉल्स की बात, जब उनकी वो जो कह सकते ना कि जो इश्यूज हैं, जब वैसे वो खत्म हुए, रिजॉल्व हुए, तो उनको यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई अब परचेज करना चाहिए। तो उनके लिए आज स्पेशल दिन है कि भाई 31st है आज, 31st मार्च है आज, 12 बजे तक मेगा सुप्रीम ओपन है। तो मैं कहूँगा कि भैया 12 बजे तक का वेट मत करना, क्योंकि सर्वर का कई बार होता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो ही जाती है। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास अभी है और आपने सोचा हुआ है तो परचेज कर डालो, सेल कर लो, मतलब बाय कर लो, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। अब सेकेंड थिंग यहाँ ध्यान रखिएगा गाइज, कि आज के सेशन में होगा क्या। आज के सेशन के अंदर सिंपली मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जिनके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, आप लोग उन तक नोटिफिकेशन पहुंचाएं, और वो आप कर सकते हैं केवल शेयर करके। जिस भी मीडियम से आप जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के, फेसबुक है, टेलीग्राम है, और दूसरे अदर जो मीडियम है, आप शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और अब जो सेशन शुरू होगा उसमें पार्टिसिपेट करिए। देखो, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये होता है कि आप सबका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट इस समय इस सेशन को देख रहे हैं, सब पार्टिसिपेट करें, सब लोग आंसर करना, सब लोग क्वेश्चन पढ़ना, समझना, और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो देन टेल मी, मुझे आप बता सकते हैं कि सर आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन टेल मी। मैं कह सकता हूँ बहुत कूल माइंड होकर के आप मुझे कहो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% होगा, ठीक है। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि हमारे सभी स्टूडेंट तैयार हैं। तो गाइज, इफ़ यू आर रेडी देन प्लीज से यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं आज के इस पूरे सेशन के लिए। चलो तो देख लें, ये इंपॉर्टेंट भी है कि आपके आज मार्क्स कितने आते हैं। भाई 15 क्वेश्चन लूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, मैं तो एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपके जो मार्क्स होंगे वो 11 प्लस होने चाहिए, क्योंकि हाई लेवल है। सो दैट मैंने यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे कह सकता हूँ ना कि तो मैंने सोच लिया कि 11 तक आप ले आओगे, दैट विल बी अ वेरी गुड स्कोर, आपका अच्छा स्कोर होगा। लेकिन अगर आप 12, 13, 14, 15 तक पहुंच जाते हो तो मैं कहूँगा अमेजिंग, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, वेरी गुड। देखो, ये जो बच्चे लिखते हैं ना, यस सर, इनसे मोटिवेशन लिया करो बाकी स्टूडेंट, ठीक है, बाकी इनसे मोटिवेट हुआ करो, क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जो हमेशा पढ़ना चाह रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ना चाह रहे हैं, एंड रियली दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भाई, आप सब लोग जब तैयार हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए। सो गाइज, ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है पैलेट, और फिर दिया हुआ है एक रेशियो का साइन, देखिए माउथ, अब प्रपोर्शन का साइन है। आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सा सेट ऑफ वर्ड यहां से उठा करके अब जो है राइट हैंड साइड पर प्लेस किया जाएगा। पैलेट का माउथ से क्या रिलेशन है, जब आप पैलेट का माउथ से रिलेशन ढूंढ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर डेफिनेटली निकाल पाएंगे। तो चलो देखते हैं अब कितने लोग आंसर देंगे। ओके,
अब देखते हैं कि कितने लोगों को समझ में आया कि भैया पैलेट का माउथ से क्या रिलेशन है। डू इट फास्ट, सभी लोग जल्दी करो, सोचो भाई जरा एक बार। मैं ये नहीं कहूंगा कि जल्दी करना है मतलब आंसर ही देना है, आंसर के लिए पहले सोचो इस क्वेश्चन को और देन आंसर करो, जल्दी नहीं है हमें। ओके, सी और डी, सी का मतलब है हिल और रेंज। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे आपने सोचा है हिल और रेंज। कुछ कह रहे हैं रेनबो और स्काई और बाकी आंसर कर रहे हैं सीलिंग और रूम। ठीक है, ओके प्रदीप, हिंदी में क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, डू नॉट वरी। हाँ, मंगेश सागर ने कहा सर पैलेट का मतलब क्या होता है। देखो यही इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में कि आज मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर पैलेट, अगर आप हिंदी की बात कर रहे हो, सोचो अगर पैलेट आपको कुछ ऐसे मिला एग्जाम के अंदर, पैलेट और देन मुंह, अब आप क्या करोगे, अब आप कैसे पता करोगे कि भैया इसको कैसे रिलेट करूँ, पैलेट का इस माउथ से कैसे रिलेट करूँगा, तो एग्जामिनर तो कैसे भी फंसा सकता है आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ऑलरेडी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिस लेवल पे करवा रहा हूँ आप उसको स्टडी करो, कलेक्शन करो। ओके, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम जो आंसर आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है डी, सबसे ज्यादा आंसर सीलिंग और रूम। ठीक है, ओके चलो, वेरी गुड, रूफ ऑफ द माउथ। देखिए ये हुई ना कोई बात। अब आप देख रहे होंगे काफ़ी स्टूडेंट इस समय जो वीडियो में देख रहे होंगे आप कमेंट्स बॉक्स में आई हैं, आप देखो कई सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि पैलेट का मतलब क्या होता है। पैलेट का मतलब होता है रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि जब आप मुंह खोलेंगे और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो तालू होता है इसको बोलते हैं पैलेट। बात समझ आ रही है, तालू को बोलते हैं पैलेट यानी मुंह खोलिए, और यहाँ पे जो छत होती है इसको बोलते हैं पैलेट। क्लियर है, तो बात समझ में आई पैलेट क्या होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं रूफ ऑफ द माउथ दैट इज कॉल्ड पैलेट। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर जी एक बार एक्सप्लेनेशन दीजिए। सो गाइज दिस इज द एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन क्या है, देखो पैलेट इज द रूफ ऑफ द माउथ, पैलेट जो होता है ये माउथ का रूफ होता है। तो सिंपल, सीलिंग इज द रूफ ऑफ द रूम। अब देखो अगर मैं जैसे इस रूम में हूं, ठीक है, तो यहां पर जो सीलिंग है दिस इज द रूफ ऑफ द रूम है कि नहीं है, तो दिस इज द आंसर। इट मीन्स वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्लियर है, शाबाश। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर दूसरे लोगों के स्टूडेंट की हेल्प करते हैं मैं कह दूंगा वो खुद भी सीख रहे हैं, साथ साथ में बाकी लोगों को सिखा भी रहे हैं, और दिस इज अ वेरी गुड नेचर। अगर ये बिहेवियर अगर आपका है तो ये बहुत अच्छा बिहेवियर है। क्लियर है, तो आप सभी को पता लग चुका है कि आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। डन गाइस, चलो तो जिन लोगों का यहाँ पर क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो देखिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूटर, और इसको दिया गया स्पीच, स्टूटर और वर्ड दिया हुआ है स्पीच। अब आप पहले ये सोचो भैया स्टूटर का मीनिंग क्या होता है, स्पीच से कैसे रिलेट करेंगे। और एक चीज और, इसमें काफी सारे नए वर्ड मैं यूज करा हुआ हूं, जैसे ब्लेयर, हियरिंग, एरोमा, स्मेल, एस्टिंग, एस्टिमेटिज्म, ठीक है, साइट और नोवोकेन, टच। आपको इन वर्ड को समझना पड़ेगा। पहली चीज ये क्या है, क्या मैंने यहाँ एंटोनिम्स यूज किए हैं, क्या मैंने यहाँ सिनोनिम्स यूज किए हैं, या फिर किसी और तरीके से रिलेट किया है। इन हर एक वर्ड का मीनिंग आप निकालिए, आपके लिए डबल फायदेमंद होगा। एज अ इंग्लिश आपके लिए एक तरह से वोकैब का काम करेगा और दूसरा आपके रीजनिंग में काम आएगा। ठीक है, चलिए ओके, तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन का कितने लोग आंसर देंगे। ओके, स्टूटर का मीनिंग क्या है, देखो भाई अब फंसे यहाँ पे, स्टूटर का मीनिंग क्या, क्योंकि स्पीच का मतलब तो समझ में आ गया कि बोलना होता है। ठीक है, ओके सी एस्टिगमेटिज्म, ओके शाबाश। ब्लेयर का मतलब ही बोल दिया गया है भैया, जैसे अभिषेक ने बोला अनप्लीजेंट साउंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके चलो, तो ढूंढो भाई जरा, क्वेश्चन का लेवल आई है तो आप ऑब्वियसली बात है अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कहां पर बढ़ सकता है एग्जाम के अंदर। अगर अच्छे लेवल के आए तो ये क्वेश्चंस होंगे जो आपको फंसा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूटर का मतलब कोई कह रहा है हकलाना होता है, वेरी गुड। चलिए आपने अपने तरीके से बताइए, बाकी तो फिर मैं आपको बताऊंगा ही कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्राई कर लो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। ओके
चलिए, स्टूटर का मींस है क्वाइट, ये भी बोला गया है। ओके, अभिषेक कुमार पांडे ने ये बताया है। चलिए और कोई भाई, जितने लोग आंसर कर रहे हैं सी, थोड़ा सोच लो एक बार कि फाइनल आंसर सी ही होगा क्या, क्योंकि अगर गलत हुआ तो आपका एक मार्क्स काट लिया जाएगा, एक मार्क्स काटेंगे इस बार हम, 0.25 नहीं काटेंगे, ठीक है। सही करोगे तो +1 देंगे, गलत करोगे तो -1 देंगे। एंड प्लीज़ गाइस, अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का लेवल हाई है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। हाँ चलो, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर महोदय एक बार हमें एक्सप्लेनेशन दिखा दो। सो गाइस, ये है एक्सप्लेनेशन, मैं बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में सिंपली मैंने यहाँ यूज किया है रेफरेंस वर्ड या रेफरेंस टू द फर्स्ट वर्ड इन द आंसर चॉइसेस शोज द स्टूटर हैज बीन यूज एज अ नाउन इन दिस क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर स्टूटर को एज अ नाउन यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज किया हुआ है। और स्टूटर का मीनिंग होता है इज अ डिफेक्ट इन स्पीच। अगर कोई बंदा बोल रहा होता है और वो रुक रुक के बोल रहा होता है, हकला के बोल रहा होता है, जैसा कि किसी ने बोला था हकलाना, ठीक है, तो स्टूटर का मीनिंग क्या होता है? स्टूटर का मीनिंग यहाँ पर होता है डिफेक्ट इन स्पीच। आप बोल रहे हैं और आप हकला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूटर को स्पीच से रिलेट किया है कि अगर आप स्पीच कर रहे हैं और उसके अंदर कोई डिफेक्ट है उसको यहाँ पर स्टूटर से यूज़ किया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है, हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी अगर हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या डिफेक्ट है, उसकी क्या कमी है, वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर इसका रखा है एस्टिगमेटिज्म मीनिंग अ विजुअल डिफेक्ट, यानी देखने में कई बार बहुत परेशानी होती है, कई सारे स्टूडेंट को दिखाई नहीं देता दूर का या पास का या कलर की प्रॉब्लम होती है। तो वी कैन से कि एस्टिगमेटिज्म मीनिंग इज अ विजुअल डिफेक्ट, इज वी कैन से इज अ डिफेक्ट इन साइट। देखने में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म। क्या बोलते हैं? एस्टिगमेटिज्म। इट मीन्स वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए तो बहुत बढ़िया, ओके शाबाश। तो देखिए गाइस, यहीं पर आपको सीखना है और यहीं पे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हिंदी में दे दीजिए, हिंदी में दे दीजिए। मैं बता दूं, हिंदी में एक क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। देखो, जब सब कुछ मैं आपको यहाँ पर हिंदी में दे दूंगा और आपके लिए तो बस टिक लगाना होगा। तो बेहतर है थोड़ा सा इसको नॉलेजेबल बनाया जाए, ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर हमें मिले। तो सिंपल, मैं आपको नॉलेज ही यहाँ पर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको एक वर्ड का बताऊंगा डेफिनेटली तीन वर्ड मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, ब्लेयर का क्या होता है या फिर अरोमा का क्या होगा या फिर नोवोकेन का क्या होगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ना कि चलो आप तीन वर्ड को तो और देखोगे, क्योंकि जिन्हें नहीं पता होगा एस्टिगमेटिज्म का मतलब वो डेफिनेटली तीन को और चेक करेंगे कि अच्छा तीन का मीनिंग क्या होता है, तो उन्हें चार वर्ड सीखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो यहां ये पॉइंट है मेरा इस बात पे लेकर। चलिए तो अब कंप्यूटर जी, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिडेटिव, और सिडेटिव को यहां पर रिलेट किया है स्लीप से। सिडेटिव क्या है? स्लीप। अब सिडेटिव स्लीप क्या है, किस तरीके से रिलेट है सोचिए जरा। और फिर देखो, चैलेंजिंग नॉलेज, निमोनिक मेमोरी, ड्रामेटिक स्टोरी, वोकल एलोक्वेंस। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। मंगेश सागर, देखो ये रेलवे से थोड़ा अच्छा लेवल पढ़ा रहा हूँ आज मैं आपको, ठीक है। आप सोचो, मैं पिछले कई महीनों से, अगर एक महीने दो महीने की बात करूँ, काफ़ी टाइम से इवन दैट, मैं आपको एक सही लेवल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में हमने कई बार बहुत लोअर लेवल ही पढ़ाया, चलिए ठीक है, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में ऐसा आएगा। कई बार बिल्कुल हूबहू लेवल ही पढ़ रहे हैं, कई बार हाई लेवल ही पढ़ रहे हैं। तो आज जो दिन है ये हाई लेवल का दिन है। एनालॉजी चैप्टर जरूर है हमारा, लेकिन आज हम हाई लेवल के क्वेश्चंस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आज हाई लेवल सीखेंगे भाई, और दिन है हमारे पास, और दिन हम उस लेवल के अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज मुझे लगता है कुछ नया आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ नए चैलेंज आपको दूँ, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो आंसर दो। बी, सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है बी, सपना रानी, मितू, मनीष, संजीव, इंद्रजीत, सुप्रिया, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है बी। और बी का मतलब है निमोनिक मेमोरी, ठीक है। ओके, बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए सिडेटिव का मीनिंग क्या होता है, बता दो। सिडेटिव का मीनिंग यहां पर होता है इंक्रीज, इंक्रीज करना। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, कह सकता हूँ इनहेंस करना। सिडेटिव का यहाँ पर जो मीनिंग आएगा स्लीप को लेकर के, आपकी नींद को जो इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, इनहेंस कर सकता है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो चलिए कंप्यूटर जी, एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं सबके लिए। देखो, थिंग एंड पर्पस, यानी ये जो चीज़ है उसका ये पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। अ सिडेटिव एक्ट एज एन एड टू स्लीप। देखो सिडेटिव एक्ट क्या होता है, यहाँ पर ये आपकी स्लीप को इनहेंस करता है, इसीलिए तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि सिडेटिव एक्ट एज एन एड टू स्लीप, अ न्यूमॉनिक
सच एज विव योर अवार्ड मेड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिक्वेंशियल कलर ऑफ द रेनबो एक्ट एज एन एड टू मेमोरी। यानी एग्जाम्पल भी मैंने रखा यहाँ पे विव योर, क्यों रखा, क्योंकि भाई देखो निमोनिक को मेमोरी से मैं क्यों क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं किसी चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ। रिलेट कैसे कर रहा हूँ, मुझे इंद्रधनुष के साथ कलर को याद करना है, मुझे ऐसे याद नहीं हो रहा, मैंने एक वर्ड याद किया विव्यो, इट मीन्स इट इनहेंस योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी को क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी बनेगा कि निमोनिक, और इसको यहाँ पे रिलेट करेंगे मेमोरी से। एग्जाम्पल नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर, आप वहां से पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखिए काफी सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया बात है, मैं ये कहूंगा कि वाकई में ये एक बहुत अच्छी बात है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, डू इट फास्ट, शाबाश। तो देखिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो और आंसर करो, बताओ कि सही आंसर क्या होगा। प्लेन और ऑस्ट्रीर, अब आप बताइए इसे कैसे रिलेट करें, ओके। तो डू इट गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग, बताओ सही आंसर क्या होगा। और भाई जिन्हें यहां पे मीनिंग पता हो ना इनके, वो शेयर करके बता दिया करो दूसरों को, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। चलिए बहुत बढ़िया, देखो प्लेन ऑस्टेयर, और आपको यहां पे बताना है न्यूट्रल डिटैच्ड होगा, क्लीन स्ट्राइल होगा, लॉनली ग्लूमी होगा, या डिजर्टेड बैरन होगा। ये अब आपको ढूंढना है कि भाई कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आंसर क्या आता है। अच्छा आशा रानी, इतनी टफ वोकैब होगी, ये बहुत ज्यादा टफ वोकैब होगी क्या, मुझे लगा कि मुझे आपको कुछ मतलब आपको नॉलेज देनी है, मुझे लगा कि चलो ठीक है आपको कुछ नया दिया जाए, कुछ अच्छा दिया जाए, आपके नॉलेज में कुछ इन्हेंस किया जाए। देखो आप जो पढ़ते आए हो वही पढ़ते रहोगे तो हमेशा वही रिजल्ट आएगा जो आता रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा थोड़ा हमेशा इंप्रूव करो, कुछ नई चीज़ हमेशा पढ़ते रहो। ईजी ईजी का मतलब ये नहीं हो कि रेलवे के एग्जाम में ईजी होगा, बिल्कुल एक्सपेक्ट तो यही है, लेकिन हम तो अपने आप में इन्हेंस करें, हमारी नॉलेज को तो हम इंप्रूव करें, दैट्स वाई मैं आपको दे रहा हूँ प्लेन एंड विदाउट डेकोरेटिव, ओके। डी डिजर्टेड एंड बैरन, ठीक है शाबाश, बहुत बढ़िया। कमऑन गाइस आंसर करें सभी लोग, सोचो भाई जरा, डिक्शनरी पास में लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे तो चार वर्ड ज्यादा सीखोगे, एटलीस्ट थैंक्स बोलोगे मुझे कि यहां सर की वजह से आज चार नए वर्ड पढ़ने को मिले, सीखने को मिले, ओके। ग्लूमिका इज इक्वल टू अनप्लीजेंट, ठीक है। प्लेन ऑस्ट्रियर, ओके। प्लेन एंड विदाउट डेकोरेटिव, आई थिंक सो सर, ठीक है। नंबर वाला भी है दिग्विजय सिंह, नंबर वाले भी पांच क्वेश्चन रखे हैं, डू नॉट वरी, लेकिन अभी आप देखो इन क्वेश्चन को करो, मैं तो यही कहूंगा बेनिफिट आपका इसमें भी, ओके शाबाश, ओके वेरी गुड, शाबाश। बी, ओके बी का मतलब है क्लीन और स्ट्राइल, ठीक है। जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया हमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा हो ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई देखो भागना ये सोच के कि यार बहुत टफ है और नहीं समझ में आ रहा है, इस चीज को छोड़ो, गिव अप करके चलो और कभी देख लेंगे, तो वो चीज ना करो कभी भी, हमेशा डटे रहो चीजें, अगर डटे रहोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, छोड़ के भागोगे तो हमेशा नुकसान में जाओगे, ठीक है, ये चीज हमेशा रखना। चलो तो अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, कंप्यूटर जी हम एक्सप्लेनेशन दिखाया जाए, यस। अब गाइज इसका एक्सप्लेनेशन समझो, एक्सप्लेनेशन क्या है, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, देखिए कि उसकी उस पर्टिकुलर इस वर्ड की इंटेंसिटी क्या है समझना। बीइंग ऑस्ट्रियर मीनिंग क्या है, बेयर इज अ हाइटन फॉर्म ऑफ बीइंग प्लेन, देखो प्लेन की एक हाइटन फॉर्म यानी एक अच्छी फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, ऑस्ट्रियर बोल रहे हैं इसका, यहां पे समझो। बीइंग स्ट्राइल मीनिंग फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहां पे इसे रिलेट किससे किया है, क्लीन से। देखो एक तो होता है क्लीन करना, ठीक है, क्लीन हमने कर ली तो हम यहां पर बैक्टीरिया को छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं हमें नहीं पता, कई बार होता है ना पोछा लगाया जाता है, ठीक है, हम पोछा लगाते हैं किससे, हम लगाते हैं डिटोल से पोछा लगाते हैं कि चलो ठीक है कीटाणु मार दिए जाए, तो उसे क्लीन करते हैं, ठीक है कि नहीं।
इस ट्रायल का मतलब क्या होता है, 0% बैक्टीरिया, 1% भी बैक्टीरिया नहीं हो, इसका मतलब है क्लीन की हाई फॉर्म, क्लीन के लिए एक अच्छी फॉर्म जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इस ट्रायल बोलते हैं। कॉलेज में आप आइए, कॉलेज में आपको क्या मिलते हैं, लेक्चरर, लेक्चरर की एक हाई फॉर्म क्या हो गई, प्रोफेसर, प्रोफेसर की एक हाई फॉर्म क्या हो गई, और हो सकता है एचओडी अगर उस सब्जेक्ट का होगा। तो देखो ये हाई फॉर्म हो गई है कि नहीं है। सेम इसी तरीके से प्लेन की एक हाई फॉर्म जो होती है वो होती है ऑस्ट्रियर, और इसी तरीके से क्लीन की भी एक हाई फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्राइल। क्या बोलते हैं, स्ट्राइल बोलते हैं, क्लियर है। तो यहां पर देखो दिया हुआ है कि मीनिंग है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ हाइटेंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया ऑफ द बीइंग क्लीन। और इसके कुछ पेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, अगर आपको लगता है कि यूज है तो इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप लेफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइज, बात समझ में आई। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन, ठीक है, चलो आंसर दो। ओके तो भैया जिनका गलत हुआ है ना, कोई बात नहीं है, गलत हो गया कोई बात नहीं है भाई, हाई लेवल है ये बात समझ लीजिए। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी यही है, सर आज तो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो गया, ठीक है। चलो तो देखो मैं एक बात बता दूं, हाई लेवल है तो कोई बुरी बात नहीं है, सीखने को मिल रहा है। अगर बिल्कुल इजी लेवल होता तो हमें ऐसा लगता कि आज हमने कुछ सीखा नहीं है, बस हमें जो आता था हमने वही किया है। तो मैं तो कहूंगा कि एड ऑन करो, ये है नॉलेज, सिंपल समझो ये है नॉलेज, और नॉलेज को करो एड ऑन। क्या करोगे, एड ऑन, इसमें जोड़ते जाओ, जितना जोड़ते जाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से फेस करते हैं और मतलब जी जान लगा देते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर के लिए, ठीक है। ओके आई एम गेटिंग आंसर, ईस्ट डज फर्मेंटेशन, शाबाश, वेरी गुड, कम ऑन लग जाओ अब इस बार। और देखो आंसर आ रहा है फर्मेंटेशन, ठीक है भैया, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि इजी रखो क्वेश्चन को, टफ मत करो, हाँ ठीक है, अब से बहुत इजी रखेंगे हम, है ना, ताकि बस आप देखो और आंसर कर दो, आपको सोचना ही नहीं पड़े। ओके शाबाश शाबाश शाबाश, चले तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के एक करेक्ट आंसर की, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो कंप्यूटर जी एक बार हमें एक्सप्लेनेशन दिखाया जाए। सो स्टूडेंट देखिए ये है एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया का काम होता है डिकम्पोज करना। देखो एक्सप्लेनेशन में कॉज कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा। बैक्टीरिया आर मिन्यूट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, डिकम्पोज करता है। एज वेल एज इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ईस्ट जो होता है आर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म विच कॉज फर्मेंटेशन। अब ईस्ट का काम क्या है, ईस्ट का काम होता है फर्मेंटेशन, मीनिंग केमिकल रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके थ्रू क्या होती है, केमिकल ऑर्गेनिज्म होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ईस्ट एंड फर्मेंटेशन। और देखो इसके लिए मैं सभी को यह बात जरूर कहूंगा, आज इस चीज को ध्यान रखना, वॉल्केनो इरप्शन, ठीक है, ईस्ट फर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन एंड ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। जब इन वर्ड को आप पढ़ोगे, जब आप इन वर्ड की मीनिंग को ढूंढोगे, इन्हें रिलेट करने की कोशिश करोगे, तो आपको ईस्ट फर्मेंटेशन तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन तीन और वर्ड के बारे में आपको सोचने को मिलेगा। और देखो थिंकिंग प्रोसेस, सिंपल समझो कि अगर आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को नहीं बढ़ाओगे, अगर उसको थोड़ा सा जटिल नहीं करोगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करोगे, तो एग्जाम के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो बेहतर है अभी कर लें ताकि एग्जाम के अंदर ना करना पड़े, ठीक है, क्लियर है गाइस। चलिए तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनाओ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेल, और एक्सपेल यहां पर स्कूल से जोड़ा गया है। अब एक्सपेल जो हमने इंग्लिश डिक्शनरी से एक वर्ड उठाया उसको स्कूल से कैसे जोड़ा है, किस तरीके से जोड़ा है वो समझो। इसके बाद आपको सीखने को मिलेगा एक्सपोर्ट, फैक्ट्री, एक्साइल, नेशन, एस्केप, पेनिटेंटियरी एंड वैकेट एंड बिल्डिंग, ठीक है। चलिए तो अब देखो एक्सपेल को यहां पर स्कूल से कैसे जोड़ा है, चलिए ओके मतलब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर सब कुछ सही है, टफ लेवल पढ़ाओ लेकिन हिंदी में दे दो। अच्छा जी ठीक है, तो आप ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल सही कहा। एक्सपेल का मतलब होता है रिजेक्ट, एक्सपेल का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट होता है। अब आप सोच लो रिजेक्ट करना कोई स्कूल से किस तरह से रिलेट करोगे, देखो रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई प्रपोजल आपके पास आया और किसी प्रपोजल को आपने रिजेक्ट कर दिया, बात समझ में आ रही है, कोई प्रपोजल आया प्रपोजल को आपने रिजेक्ट कर दिया,
चलिए ये बात समझ में आती है। अब स्कूल से इस रिजेक्शन को कैसे ऐड करोगे वो सोचिए जरा कि कैसे ऐड करना है। बी इज द करेक्ट आंसर, एक्साइल और देश निकाला, बिल्कुल शाबाश। देखो किसी स्टूडेंट ने आंसर किया सर एक्साइल होगा क्योंकि एक्साइल का मतलब होता है देश से निकाल देना, ठीक है शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जिनकी वॉकेब थोड़ी सी आज, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि वॉकेब में हाँ 10-20 वर्ड तो आज मैं आपकी डिक्शनरी के अंदर जोड़ ही दूंगा, 10-20 वर्ड का मतलब तो आपको मिल ही जाएगा। और अगर आपने हर एक वर्ड को डिक्शनरी में देखा तो कम से कम आपको नहीं तो 30 वर्ड से ज़्यादा मिलेंगे आपको नए वर्ड जो आपको बढ़िया है, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, है ना। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, वेरी गुड। बी आंसर आ रहा है, ठीक है। सोच लीजिए अभी भी कि एग्जाइल नेशन ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक रिलेट नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेल को स्कूल के साथ, तो है ना वो सोचना पड़ेगा। 100% बी, ठीक है। तो चलिए भाई मैं मान लेता हूं कि आपने ये कहा, अब बात आती है ना इसके एक्सप्लेनेशन की। तो चलो मैं यहां पर कंप्यूटर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सप्लेनेशन दिखा दे। तो गाइज ये भी एक तरह से क्या है, कॉज है और इफेक्ट है। आप समझ जाओ कि एनालॉजी में करीब 20 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें वन ऑफ द टाइप है कॉज एंड इफेक्ट। अब क्या है, अ पर्सन एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल कैन नॉट री एंटर इट, समझ रहे। जब किसी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है तो उसको दोबारा नहीं लेके आते। तो एक्सपेल का मतलब एक तरह से क्या होता है, स्कूल से निकालना, ठीक है, यानी कि आपको उस पर्टिकुलर क्लास से निकाल दिया, आपको स्कूल से निकाल दिया। तो यहां पे क्लियरली बोला गया है अ पर्सन एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल कैन नॉट री एंटर इट। एक बच्चे को, एक पर्सन को जब स्कूल से निकाल दिया जाता है तो उसको दोबारा से री एंटर नहीं करवा सकते हैं। सेम इसी तरीके से अ पर्सन एक्सिल्ड, एक्सिल्ड यहां पे मीनिंग है बैनिश्ड लीगली, ठीक है, जिसे लीगली तरीके से बैन कर दिया गया है, फ्रॉम अ कंट्री कैन नॉट री एंटर इट। किसी देश से अगर आपने किसी भी पर्सन को देश निकाला कर दिया है, बैन कर दिया है, तो वो वापस से नहीं आ सकता है। तो इसे हमने कैसे रिलेट किया कि भाई हमने इसे रिलेट ऐसे किया है कि अगर आपको स्कूल से निकाल दिया गया, स्कूल से बैन कर दिया गया, तो आप दोबारा नहीं आ सकते। इसी तरह से जब आपको देश से निकाल दिया जाएगा तो आप दोबारा नहीं आ सकते देश में, क्लियर है। तो इसीलिए यहां पर जो परफेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है एक्साइल नेशन, क्लियर है। इट मींस आप देख सकते हैं ऑप्शन बी यहां पर गिवन है, सो वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ओके चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, वाकई में बहुत अच्छा स्कोर है आप लोगों का, और प्लीज़ लाइक करो, साथ में शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक जो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, जो यूट्यूब नहीं देता है, एटलीस्ट आप दे दो, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्बेंट, क्या है इनकम्बेंट है, और इनकम्बेंट को ऑफिस से रिलेट किया है। अब सोचो इनकम्बेंट का मीनिंग क्या होता है, नहीं आता तो जरा अपने मोबाइल के अंदर डिक्शनरी में देखो, नहीं तो गूगल पे देखो, नहीं तो आपके पास जो बुक है उसके अंदर डिक्शनरी में देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मीनिंग आपको पता लगेगा तो ऑफिस से रिलेट कर पाओगे, और देन आपको मोनार्क थ्रोन, प्रेसिडेंट कंपनी, सुपरवाइजर एम्प्लॉय, कैप्टन आर्मी। मुझे नहीं लगता कि आपको बी सी ओ डी में से आंसर को सोचने में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, अगर आपने इनकम्बेंट का एक सही तरीके से रिलेशन देख लिया कि कैसे मोनार्क को थ्रोन से रिलेट करना है, और सॉरी कैसे इनकम्बेंट को ऑफिस से रिलेट करना है। आप आराम से पता कर लोगे मोनार्क आएगा कि प्रेसिडेंट आएगा कि सुपरवाइजर आएगा कि कैप्टन आएगा, ठीक है। चले फिर से मौका देता हूं, सोचिए। ओके यस, देखिए बिल्कुल सही बात है, जितने लोग मोबाइल में देख रहे हैं ना वो गूगल में नहीं देख सकते हैं। तो आपको अब सोचो, पूछो अपने फ्रेंड से, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इस समय हैं, उनसे पूछिए, तब उनको ज़्यादा फायदेमंद होगा, उनको भी पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके शाबाश, बहुत बढ़िया। इनकम्बेंट मींस डिपेंडेंट, ठीक है, कोई बता रहा है ये। कैप्टन, कैप्टन होगा मतलब कैप्टन आर्मी। ओके देखिए इससे आंसर बदल रहे हैं, सबसे ज़्यादा हेल्प क्या हो रहा है, कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा कि आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलो डू नॉट वरी, टेंशन मत लो, मैं बस आज के इस हाई लेवल के सेशन में ये देखना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो पेपर इंग्लिश में हुआ या क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आया उसका हिंदी नहीं बन पाया, उन्होंने इसी तरीके से रख दिया कैसे इनकम्बेंट। अब सपोज करो एग्जामिनर को आप तो ये कह नहीं सकते इसका हिंदी दो, उन्होंने इनकम्बेंट ही रख दिया और इसको रिलेट कर दिया यहाँ पे ऑफिस से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं ये सोच रहा हूँ जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, ऑफिस ऐसे रखा, तब फिर आप लोग क्या करेंगे, तब किससे पूछेंगे कि हिंदी में पता होता तो आंसर निकाल देते। तो वही चीज़ है
आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और फिर आपको इन क्वेश्चन पे डील करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो आंसर सबका मिल रहा है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और सॉरी एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन दिखाइए। यस, तो भाई इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, किसको डिफाइन कर रहा है ये? कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है। कैसे? एन इनकम्बेंट इज द ऑक्यूपायर ऑफ एन ऑफिस। किसी भी ऑफिस को ऑक्यूपाई जो करता है उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। क्या बोलते हैं? किसी भी ऑफिस को ऑक्यूपायर करने वाला जो पर्सन होता है, जो ऑक्यूपाइड करता है, उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। तो अब सोचो, इसको रिलेट करो। प्रेसिडेंट क्या कंपनी को ऑक्यूपाई करता है? नहीं। क्या सुपरवाइजर एम्प्लॉय को ऑक्यूपाई कर लेता है? नहीं। क्या कैप्टन आर्मी को ऑक्यूपाई कर पाता है? नहीं। मीनिंग समझो, अ मोनार्क इज द ऑक्यूपायर ऑफ अ थ्रोन। एक मोनार्की होता है जो कि एक थ्रोन को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है? तो दिस इज द आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट ने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर 1, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये तो एक सही आंसर है, पर बाकी स्टूडेंट ने आंसर यहाँ पे दिया है गलत, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनकमेंट। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब फिर मौका है आपके पास एक बार फिर से, जिनके गलत होते जा रहे हैं। देखो मैंने क्यों कहा कि 11 में से आप 15 ले आओगे तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि मैं जानता था कि आज के क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत हाई है, और जब हाई लेवल होगा तो स्कोर ये बुरा नहीं होता है। ठीक है, सोचिए यार, जब बैंक वाले 45-50 नंबर का पेपर लेते हैं, 35 नंबर का पेपर लेते हैं, 5 नंबर ही कट ऑफ देते हैं, इसका मतलब क्या है? जब पेपर वो हाई करते हैं, बहुत हाई करते हैं, तो उन्होंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना दी कि चलो इतनी हम दे रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से पेपर मैंने टफ बना दिया तो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 11 रखी है ताकि आप आंसर कर सको। ठीक है, चलो ओके। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, हैच का यहां पर मीनिंग क्या है? हैच को होल्ड से कैसे रिलेट कर रहा हूं? पहले तो सोचो हैच का मीनिंग क्या होता है, और अगर ये मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो होल्ड क्या होता है? यहां पे दिया हुआ है रीडर, एंकर, बोट, बैर्ज, कोर्टयार्ड और टेरेस, और दिया हुआ डोर और देन रूम। ओके, किसी को कोई आइडिया नहीं है? किसी को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने हाई लेवल के वर्ड कहां से आ गए? चलिए ओके, तो मैं समझ सकता हूं आज आपकी विडंबना को, आपकी आज जो मुसीबत आपको लग रही है ना कि ये इंग्लिश है और इंग्लिश में ऐसे ऐसे वर्ड हम यूज कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं सिंपल ये कहूँगा, जब यहाँ पर हूँ तो मैं बता रहा हूँ कुछ वर्ड की मीनिंग, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कुछ की आप खुद ढूंढना। भाई देखो, हर एक का मैं बता दूंगा तो सारी मेहनत मेरी, फिर आपने क्या किया? केवल आपने पढ़ा? नहीं, कुछ वर्ड की मेहनत आपको भी करनी है, इसीलिए छोड़ा हुआ है। अदरवाइज एक्सप्लेनेशन में ए का भी रखता, बी का भी रखता, सी का भी रखता और डी का भी रखता। मैं चाहता तो चारों के एक्सप्लेनेशन रख सकता था और आपको बताता देखो ये क्यों नहीं है और ये क्यों है, पर मैं चाहता हूँ कि एक सही आंसर मैं दे दूँ, बाकी तीन आंसर आप खुद सोचो क्यों नहीं है। खुद मेहनत एक बार करो, आपको वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स वाई, यानी कुछ सोचा होगा मैंने, इसीलिए शायद मैंने यहाँ पे छोड़ा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आंसर की। शाबाश श्रीधारा नायक ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। तो कंप्यूटर जी एक्सप्लेनेशन दिखा दें। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, पार्ट एंड द होल। पार्ट एंड द होल का यहाँ पे मीनिंग क्या है? देखिए सबसे पहले हैच को यहाँ पे मैं यहाँ पे चलो ठीक है आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वन एंटर अ होल्ड थ्रू द हैच, यानी ऑफ अ शिप। हैच का मतलब क्या है? सपोज करो हैच का मतलब यहाँ पर जैसे कोई बंदा जो शिप पर चढ़ता है, ठीक है, तो वो किसी चीज़ को होल्ड करता है। ठीक है, कोई पाइप वहाँ पे होता है, हो सकता है किसी तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे होता है जिसको सपोर्ट करके वो चढ़ता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हैच। क्या दिया हुआ है कि वन एंटर होल्ड थ्रू द हैच, हैच के थ्रू कोई बंदा है जो होल्ड करके क्या करता है, अंदर चढ़ रहा है। सेम एज वेल एज वन एंटर अ रूम थ्रू द डोर, और कोई एक पर्सन अगर वो अंदर जा रहा है तो वो गेट पकड़ के सीधे सीधे अंदर जा रहा है, यानी वो पहले गेट पकड़ता है, गेट को पुश करता है, खोलता है और देन वो एंटर करता है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैच, यानी होल्ड, और यहां पे अगर हम देखे जाए तो डोर एंड रूम। क्लियर गाइज, समझ में आया? शाबाश, जिन लोगों का समझ में आया मैं कह दूंगा कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा होगा,
कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ एक चीज ये भी पता लग रही होगी कि अच्छा रीजनिंग भी टफ हो सकती है अगर उसको टफ बनाया जाएगा तो, ठीक है। लेकिन अभी रेलवे और एसएससी एग्जाम है तो हमें पता है कि भैया ये लेवल उनका नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा लेवल हो गया तो सोचिए आपको बहुत अभी मेहनत करनी बाकी है, क्लियर है। तो आपको इसी चीज के लिए मैंने यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शार्ड एंड पॉटरी। शार्ड यहां पे है, पॉटरी यहां पे है, आपको बोलना है हिल क्लिफ यहां पे होगा, एश फायर यहां पे होगा, हेयर विग यहां पे होगा, या स्प्लिंटर वुड यहां पे होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने लोग देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, आंसर दीजिए। और एक बार आप सभी लोगों का वो भी देखना जरूरी है कि आप लोगों का स्कोर क्या है आज का, क्योंकि भाई ये स्कोर तो मैं चाहता हूं, अब बाकी स्कोर आप मुझे बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर बताओ। ओके चलिए, तो देखो आप सब लोगों को अच्छा तो लगेगा एटलीस्ट कि हाँ भाई आज का लेवल बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा इजी इजी स्टडी करने से बेहतर है थोड़ा लेवल भी पढ़ लिया जाए कि हाँ ये लेवल है। हमेशा कभी ये मत सोचना कि एनोलॉजी का मतलब होता है इजी चैप्टर, ठीक है। एनोलॉजी का मतलब ये कभी नहीं होता है, एनोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमें जो दिखाया जाएगा वो हमें दिखता है। तो एग्जामिनर हमें बहुत इजी क्वेश्चन देता है, लेकिन हमें तो ये जानना है कि ये चैप्टर इजी नहीं है, ये चैप्टर भी बहुत हाई लेवल का है। ओके ओके, जय कुमार की दिक्कत देख रहे हो, नोटिफिकेशन ही नहीं आता है उनको, समझो ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता है। शार्ड है, पॉटरी और हिल क्लिफ एश फायर हेयर विक स्प्लिंटर वुड, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत है, मैं अभी भी कह सकता हूं बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर कर रहे हैं। शार्ड का मतलब नहीं पता फिर आपको, क्योंकि पॉटरी का मतलब तो हम समझते हैं लेकिन शार्ड का मतलब हम नहीं समझते, ठीक है। ओके प्लीज लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहुंचे नहीं हैं क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं दिया यूट्यूब ने, इसका मतलब कह सकते हैं वो सो रहे हैं और यूट्यूब ने उन्हें जगाया नहीं है, है ना। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप उन्हें शेयर कर दो चाहे किसी भी मीडियम से, और एटलीस्ट वो आएँ ज्वाइन करें, उनका ज्वाइनिंग देखते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन से क्या होता है, ठीक है। ओके चलिए अच्छा ठीक है, बिल्कुल बोलेंगे आंचल मैम को, जरूर बोलेंगे। चलिए कंप्यूटर से एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, पार्ट एंड द होल, एक बार फिर से किस कैटेगरी में रखा है, पार्ट एंड द होल की कैटेगरी में रखा है। क्वेश्चन में देखो, अ शार्ड इज अ ब्रोकन पीस ऑफ पॉटरी, देखिए पॉटरी यहां पर किसी भी चीज की हो सकती है, मिट्टी की, किसी भी तरह की हो सकती है, उसका जो ब्रोकन पीस होता है, टूटा हुआ, जो जैसे मटका होता है ना, सपोज करो मटका जो है उसका कोई पीस टूट गया, ठीक है, मटका जो होता है डिफेक्ट हो गया, मटका समझ रहे हैं ना, जिसमें पानी हम रखते हैं, ठीक है, मान लो वो डिफेक्ट हो गया, टूट गया है वो, है ना। तो उसका जो ब्रोकन पीस होता है उसको क्या बोल रहे हैं, शार्ड बोल रहे हैं। तो अ ब्रोकन पीस, अ शार्ड इज अ ब्रोकन पीस ऑफ पॉटरी, इसी तरीके से अ स्प्लिंटर इज अ ब्रोकन पीस ऑफ वुड, लकड़ी का अगर कोई छोटा सा टुकड़ा जो होता है, एक ब्रोकन पीस जो होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्प्लिंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्प्लिंटर। अब देखो ब्रैकेट में, अ विग इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ हेयर, विग किससे बनता है, नंबर ऑफ हेयर से मिलकर बनता है, एंड यू कैन नॉट से दैट वुड इज मेड अप ऑफ स्प्लिंटर। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर इकट्ठा कर दे तो वुड बना लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन रखा है, क्योंकि हो सकता है कई सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे सर हेयर विग, हेयर के छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाकर के, मतलब हेयर को इकट्ठा करके विग बना लेंगे, तो ध्यान रखना ये नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका यहाँ पे सिंपल सा मैंने यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर पोएट्री का जो है आंसर क्या होगा, पोएट्री इज मेड अप ऑफ शार्ट्स, क्या होगा, शार्ट्स होगा। वेरी गुड ओके चलो एक बार फिर से आप गलत हो गए, और जो गलत हो गए हैं कोई बात नहीं है, आंसर इज ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिसेंट एंड टॉक, एक बार फिर से, मतलब अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और कमेंट्स पढ़ के अब मुझे हंसी आ गई है, क्योंकि कई सारे बच्चे से बोल रहे हैं आज तो हमारे 10 भी नहीं आएंगे, कोई तो कह रहा है 7 भी नहीं आएंगे, हाँ और ठीक है आज 7 नहीं आएंगे तो एटलीस्ट आपको ये तो लगेगा कि चैलेंजिंग है ये टॉपिक, आसान नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चैप्टर बहुत ईजी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मतलब हम कर लेंगे। तो आज एटलीस्ट ये तो रहेगा कि भैया चैप्टर ईजी नहीं है, चैप्टर भी एक अच्छे लेवल का है,
है ना। चलो आंसर दो। ओके, रेटिसेंट एंड टॉक। अब देखते हैं आंसर। बी टेस्टलेस सेवर, एब्स्टेमियस डिवोर, लाइकली कंजेक्चर और क्रैंकी ग्रंबल। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू जज कुमार, थैंक यू सो मच। इंग्लिश का क्लास हो रहा है, रीजनिंग का नहीं हो रहा। ओके, रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है? सर बहुत टफ है। हाँ जी, मुझे पता है बहुत टफ है। अगर बहुत इजी होता ना तो इस समय वॉचिंग में ये 200 नहीं दिखते, ये 1200 दिख रहे होते, अगर हम बहुत इजी पढ़ा रहे होते। जब बहुत अच्छे लेवल का होता है ना तो स्टूडेंट डर जाता है, घबरा जाता है। तो मान लीजिए ये बात आप, कि जब अच्छा क्वेश्चन होता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, तो बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हाई लेवल उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें पचता नहीं है। जब ईजी बहुत होता है तो उन्हें मज़ा आ रहा होता है। तो मैं यही कहूँगा स्टूडेंट, अपनी हैबिट बनाओ, हाई लेवल की क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। ठीक है, ये अल्टीमेटली आप ही का बेनिफिट है, मेरा नहीं है, समझ रहे हैं? ओके, चलिए तो आंसर करते हैं, इस आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो कंप्यूटर जी एक्सप्लेनेशन दिखाया जाए। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन है एंटोनिम वेरिएंट। ये क्या है एंटोनिम, हमने यहाँ पे लिया है क्या? ए रेटिसेंट, यानी मीनिंग रिजर्व्ड इन स्टाइल। रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है? जो रिजर्व नेचर के होते हैं, ठीक है, रिजर्व नेचर का मतलब समझते हैं, जो थोड़ा कम बोलते हैं, जिन्हें कम बोलना पसंद है। क्या बोला गया है? अ रेटिसेंट एनी मीनिंग रिजर्व्ड इन स्टाइल पर्सन डज नॉट टॉक, जो नहीं बोलता है। आप देखो कमेंट में लिखा हुआ था, बहुत ज्यादा बोलने वाले पर्सन को बोलते हैं रेटिसेंट। तो ऑब्वियसली बात है, हम स्टूडेंट हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ये हो सकता है। परंतु जब बहुत ज्यादा बोलने वाला हम बना सकते हैं, तो रिजर्व नेचर वाला भी तो हम बना सकते थे, यानी कि एक तरफ देखा एक तरफ नहीं देखा। पासवान में आई। इसी तरीके से अब यहां पर क्या दिया गया है, एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस का मीनिंग क्या होता है? गिवन टू ईटिंग इन मॉडरेशन, पर्सन डज नॉट डिवोर। ठीक है, जो डिवोर नहीं होता है, मीनिंग ईट लाइक अ ग्लूटन, समझ रहे हो? सो सिंपल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, द रिलेटेड एंटोनिम रिलेशनशिप इज रेटिसेंट टॉकेटिव एब्स्टेमियस डिवोर, यानी कि कम बोलने वाला पर्सन, ज्यादा बोलने वाला पर्सन, अपोजिट हो गया। कम खाने वाला पर्सन, ज्यादा खाने वाला पर्सन। डिवोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने वाला, और कम खाने वाले पर्सन क्या बोलते हैं? एब्स्टेमियस। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ ना, गिवन टू ईटिंग इन मॉडरेशन, समझ में आया? सो इसलिए कम बोलने वाला पर्सन, ज्यादा बोलने वाला पर्सन, कम खाने वाला पर्सन और ज्यादा खाने वाला पर्सन। क्लियर है? चलिए, ओके, चलो तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, तो गाइज अब आपके थोड़े न्यूमेरिक क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, अब टफ खत्म हो गया है, अब ट्रिकी शुरू हो गया है। तो चलो अब आप आंसर करेंगे 7528, ठीक है, इसके बाद है 5306, और अब तो मुझे लगता है कि भाई अब तो ट्रिकी क्वेश्चन है, नंबर का है, अब तो आप अपना दिमाग चलाओगे, अब तो आप ये नहीं कह सकते ना कि सर अब तो टफ दे दिया। चलो तो अब अपनी नंबरिंग बढ़ाओ और अपने मार्क्स बढ़ाओ, ठीक है, अब आपको मार्क्स इंक्रीज करने का मौका दे दिया है मैंने, अब आप बढ़ा सकते हो अपने मार्क्स। सूर्या कह रहे हैं कि आज आपको क्या हो गया, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हो। चलिए, अल्टीमेटली आपको पसंद आया। ओके, तो चलिए भाई अब आंसर दीजिए, क्या यहां पर लॉजिक होगा? लॉजिक शेयर करो, लॉजिक शेयर करो, आंसर तो कर रहे हो, लॉजिक भी शेयर करो। 7528, 5306, 4673 और लॉजिक बताइए। ओके, बी आंसर आ रहा है, यानी 2451, ठीक है, माइनस टू, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बिल्कुल सही कहा आपने, इस क्वेश्चन में जो हो रहा है माइनस हो रहा है, टू 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 एंड टू, बस ये हो रहा है। देखो सात पांच, सात पीछे तो गए, तो पांच माइनस दो माइनस दो माइनस दो एंड माइनस दो, यानी कि फोर टाइम एक साथ लिख के माइनस कर दूं, फोर टाइम टू, ये माइनस हो रहा है, सेम एज वेल एज 4673,
माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू करते जाइए, आंसर आ जाएगा। और देखो सबके आंसर आ रहे हैं। अब सबके चेहरों पे आ गई है स्माइल। क्यों आ गई है? क्योंकि मौका मिल गया है अब अपने मार्क्स बढ़ाने का, आज का स्कोर के अंदर अपने आप को उस स्कोर तक पहुंचाने का। चलिए बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर से एक्सप्लेनेशन दिखा दो। देखो आंसर आ रहा है B2451 एंड द रिलेशनशिप इज x, और x में से इतनी वैल्यू को माइनस कर दो। यानी कि सिंपल, जो आप सोच रहे थे ना, सात में से दो गए तो पांच, पांच से दो गए तो तीन, बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल। x का मतलब क्या है? x का मतलब यहाँ पे 7528 है। तो 7528 में से जब आप इसे माइनस करोगे आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 5306। क्लियर है? तो समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है और क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, कोई ये नहीं कहेगा हाई लेवल दो, क्योंकि अभी मैंने जब दिए थे तब बहुत लोग परेशान हो गए थे, कई लोग तो चले गए थे, उन्होंने तो गिवअप भी कर दिया था, सेशन छोड़ के भाग गए थे वो तो। ओके देखो इस क्वेश्चन में सबको मजा आ रहा है और अब देखो इंक्रीज हो गए हैं, है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, ईजी क्वेश्चन होता है तो सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा मजा लगा, मतलब टफ भी होना चाहिए। तो आंसर दो। ओके अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 65, वेरी गुड। लॉजिक, लॉजिक बताओगे? कोई लॉजिक बताएगा? यस, देखो डी आंसर आ रहा है, शाबाश। डी 65, डी आंसर आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर और नेक्स्ट नंबर प्लस वन हो रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीप इट अप, कीप इट अप। आंसर को तेजी से बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है लोगों का, हाँ सब बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया अब, शाबाश। देखो बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर देता हूं, चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो कंप्यूटर जी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो कंप्यूटर जी अभी एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको बताएंगे कि क्या एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज फिर तो मैं बता ही दूं। लगता है कंप्यूटर जी तक हमारी बात नहीं पहुंची है। ओके कंप्यूटर जी, क्या हमें सुन पा रहे हैं? धन्यवाद, आपने सुन लिया हमें। देखो भाई 65 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कहा, एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन का स्क्वायर। इसको कैसे समझेंगे? देखिए ये 25 था, ठीक है, ये 25 था, और यहां पे अगर आप देखेंगे इसको 37, फिर दिया हुआ है 49, और देन दिया हुआ क्वेश्चन मार्क। देखो ये है 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 1 कितना हो गया 37। इसी तरह से 7 का स्क्वायर, 7 प्लस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यानी कि 65, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65, यानी आंसर इज ऑप्शन डी 65 होगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यस देखो हमारे बच्चे भी याद करने लग गए हैं कि कंप्यूटर जी कहाँ चले गए, सर आपको बुला रहे हैं। चलो तो आंसर दो इस क्वेश्चन का, भाई आंसर बनना चाहिए इसका तो, है ना। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि किसी भी प्रोड्यूसर को, आप प्रोड्यूसर जो होते हैं, वे जो पिक्चर बनाते हैं या स्टोरी राइटर होता है, उन्हें आपसे मिलना चाहिए, आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी बना सकते हो। जैसे देखो कंप्यूटर जी ने नहीं सुना तो बच्चे बोलते हैं भाग गए हैं, इतना टफ क्वेश्चन देखकर चले गए हैं, कंप्यूटर जी खराब हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रही इंग्लिश, ये ऐसे ऐसे वर्ड, बहुत बढ़िया। तो आंसर दो इस क्वेश्चन का। 583, 293, 488 एंड नेक्स्ट व्हाट, क्या आएगा?
ओके 378 फाइनल है सबका आंसर? बी होगा 378 और कुछ कह रहे हैं सी होगा 487। ठीक है, मुझे लगता है फाइनल करना चाहिए, यही आंसर आ रहा आप सब लोगों का। ओके तीनों को ऐड कर दें, अच्छा शाबाश। चलिए तो बात करते हैं कि कंप्यूटर महोदय एक्सप्लेनेशन दे दीजिए हम इसका। यस, देखो इसका जस्टिफिकेशन क्या आ रहा है, जस्टिफिकेशन ये आ रहा है, एक्सप्लेनेशन ये आ रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज टू मोर देन द सम ऑफ डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर। समझना कैसे, देखो 583 ठीक है, 293, इसके बाद क्या है 488, ओके 488 और देन क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखो कैसे है, 8 और 5 13 और 3 16 एडअप किया, 8 और 5 13 और 3 16 यानी कि 9 और 3 12 और 2 14, माइनस 2 किया है और ये वैल्यू बन रही है ना, 16 में से 2 गए तो 14 है। सेम एज वेल एज 8 और 8 16 और 4 20, कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, यानी कि माइनस 2 करते ही कितना होना चाहिए था, 18 होना चाहिए था, होना चाहिए था 18। अगर 18 है तो देखिए क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत, 8 और 15 और 3 18 यानी कि बी 378 बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। फिर आप देखो 487, 8 और 15 19 19 हो रहा है, 8 और 5 13 और 1 14 हो रहा है, इट मींस आंसर क्या होगा बी होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द डिजिट इज 18, इट मींस 2 माइनस लेस देन, यहां पे कह सकते हैं माइनस 2 हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट। क्लियर है? चले तो यहां तक क्लियर हो गया सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। तो गाइज ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करें अब इस क्वेश्चन को और इसका सही आंसर दें। ओके चलो अब देखते जाते हैं कितने लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। एंड गाइज यू कैन लाइक दिस सेशन, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को और प्लीज आंसर सबको करना है। ओके अब देखते हैं आंसर कितने लोग करेंगे, केवल 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 20 से 11 ढूंढने का और 102 से आपको नेक्स्ट नंबर ढूंढने का। कमलेश कुमार अब मैं बताओ क्या करूं, जब टफ लेके आता हूं तो कहते हैं बहुत ज्यादा टफ है, अब जब इजी लेकर आए तो कहते हैं बहुत ज्यादा इजी है, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ 52 है बी, शाबाश बहुत बढ़िया। ओके 52 52 एंड व्हाट इज द रीजन, कुछ कह रहे हैं हाफ करके 1 ऐड कर दो, बहुत बढ़िया, अगर ये सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, ट्रिकी क्वेश्चन उठाओ फटाफट से आंसर करो। ठीक है चलो तो कंप्यूटर जी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, दिखा दीजिए एक बार। सो गाइस एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो 2x एंड x+1 ठीक है, यानी कि अब हमें देखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या रखा, एक्स की वैल्यू रखा 10, तो 2 × 10 हमने रखा तो ये तो वैल्यू आ रही है 20, आ रही कि नहीं आ रही है। अब यहां पे क्या आ रहा है x+1 यानी कि 10 + 1 हो गया 11, या तो ये सोच लूं या फिर इजी तरीके से सोचूं, थोड़ा सा बेस्ट तरीके सोचूं, ये तो भैया एक कहते ना कि एक तरीके से मैथमेटिकली तरीके से प्रूव करना, दैट इज द मीनिंग। अब देखो 20 ये है ठीक है, तो 20 का हाफ करोगे तो 10 होगा और उसमें +1 ऐड करो तो 11 हो जाएगा। ठीक है तो हाफ करो इस नंबर का और देन 1 ऐड कर दो, ठीक है सेम एज वेल एज 102, जब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 51 और +1 करोगे तो 52 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू का हाफ करके एक ऐड करो, इसी तरह से 102 का हाफ करो 51 होगा और देन 1 ऐड करो 52 आएगा। क्लियर है? ओके तो चलो यहां तक सबका क्लियर हो चुका है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। तो गाइज ये है आपका अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है समझ में आया? अब आंसर करो इस क्वेश्चन का, 2 + 3 = 10, 8 + 4 = 96 ठीक है, 7 + 2 = 63, देन है आपके पास 6 + 5 = 66 और 9 + 5, अब आपको बताना है। ठीक है चलिए तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बताओ। देखो कल्याणी झा मैं आपको बोल दूं, आज का जो ऑफर है वो सुपर ऑफर है, मेगा सुप्रीम, आप इसे परचेज कर लीजिए, आपके सभी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे,
ये तो तब है जब आप उस पूरे मेगा सुप्रीम को यूटिलाइज कर लेते हो। अगर आपने वो यूटिलाइज कर लिया, मैं आपको बता दूं आपका किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता, एग्जाम क्रैक नहीं हो, बस आपको उस मेगा सुप्रीम को परचेज करना है, ये पहले स्टेप है। और दूसरी स्टेप है आपको उसको कंटिन्यूसली विजिट करना है, पढ़ना है, तो तीसरी स्टेप में सक्सेसफुल जरूर होंगे। ओके 126 तो आ चुका है। अच्छा 126 डी, तो भाई रीजन दो। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो कंप्यूटर जी स्लाइड को हटा दीजिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए करना क्या था, इनका एडिशन कर दो, वैल्यू आई 5, इसका एडिशन कर दो वैल्यू आई 12, इनका एडिशन कर लो वैल्यू आई 9, इनका एडिशन कर लो वैल्यू आई 11, और इसका एडिशन कर लो वैल्यू आई 14। पहली बात तो समझ में आ गया, सबको समझ में आ गई ना। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले इन सबको ऐड कर लिया, और ऐड कर लिया तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ रही हैं। अब इनकी पहली पहली डिजिट को देखो, ये फर्स्ट डिजिट को देखो, इससे गुणा कर दो 2, इससे गुणा कर दो 8, इससे गुणा कर दो 7, इससे गुणा कर दो 6, और इससे गुणा कर दो 9। कर दिया हमने। जब हमने ये करा तो अब हमें क्या है, आंसर तो मिल जाएगा। कैसे, देखिए इज इक्वल टू 10 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू 12 ट्यूशन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 96 इज इक्वल टू 96, ये 963, ये यहाँ पे 66, तो ये कितना होगा 126, क्या होगा 126, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 126। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 126 आ रहा है, और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम आज की बात करें कि आज के इस पूरे सेशन में आपके कितने मार्क्स आए, तो बी फ्रैंकली ऑनेस्टी के साथ अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आज आपके टोटल कितने मार्क्स आए, व्हाट इज योर स्कोर, चलो बता दियो। तो चलो देखते हैं आप कितने लोग हमें ये बताते हैं उनका ऑनेस्टली आज उनका क्या स्कोर है। ओके तो चलिए वेट कर रहा हूं मैं आपके स्कोर का। 3 रॉन्ग हैं 15 में से 12, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके 13 में से 10 अच्छा स्कोर है, 15 में से 11, 15 में से 13, 15 में से 10, कोई बात नहीं है, जिन्हें याद नहीं है कोई बात नहीं है, वो दोबारा से सेशन को देखेंगे और फिर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 15 में से 11, फैंटास्टिक, शाबाश। तो गाइज आज के सेशन में ये था हमारा पूरा सेशन जो कि एनालॉजी पर बेस्ड था, एंड आई बिलीव आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें सेशन को, शेयर करें इसके पूरे लिंक को हर एक कह सकते अपने फ्रेंड्स के साथ, हर एक ग्रुप में आप शेयर करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए और मज़ेदार सेशन के साथ। लेकिन बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज की सेल एक्सटेंड हुई है, और ये है बैंक प्राइम, एसएससी प्राइम एंड मेगा सुप्रीम। देखो सुप्रीम है तो समझ जाइए कि 4999 बैंक का पैकेज रहेगा, जिसमें 1250 प्लस वीडियोस होंगे। स्टूडेंट ये बहुत बड़ी बात है, 1250 वीडियो को देखना, मुझे नहीं लगता 1250 वीडियो को देखने के बाद आपके कोई सिंगल डाउट भी बचेगा। फिर 650 घंटे की स्टडी है, 100 से ज़्यादा ई बुक्स है। अगर मार्केट में किताब भी खरीदने जाओगे तो वो कम से कम आपके 50 रुपये की मान लेते हैं मिनिमम है। अगर वो कम से कम 50 रुपये की होगी तो 50 × 100 करके देखो, आप यही मान के चलो कि आपकी ई बुक्स 100+ है, 5000 रुपये तो आपकी यहीं वसूल हो रहे हैं। 300 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, यानी कि ओवरऑल ये आपके पास एक पैसा वसूल वाला ऑफर है। तो आपको अगर लगता है कि बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक का आप सेल इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप एसएससी का ले सकते हैं, और दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूंगा सबसे बेस्ट तरीका है मेगा पे जाइए, कॉम्बो लीजिए और दिल जान लगा करके स्टडी करिए। क्लियर है, तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।